हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द सेशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग लेवल वन क्वेश्चंस ऑन AAS कॉन्ग्रुएंसी। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए थे पर लेकिन AAS कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर नहीं किए थे। तो पहले लेवल वन, फिर उसके बाद हम लेवल टू, ऐसे करके हम AAS कॉन्ग्रुएंसी को कंप्लीट करेंगे। अब AAS कॉन्ग्रुएंसी में आपको NCERT में एक थ्योरम दे रखी है, एक थ्योरम है जो कि AAS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाती है। अगर आपने सुना हो कि टू एंगल्स, जो ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं, अगर वो इक्वल हैं तो उसके जो अपोजिट साइड होती हैं वो बराबर होती हैं। ये थ्योरम है NCERT में, इसको हम आज प्रूव करने वाले हैं। क्या कहना चाह रहा हूं वो देखिए, मैं बोलना चाह रहा हूं मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ये ए, ये बी, ये सी। मैंने बोला अगर मान लीजिए ये जो एंगल है वो इसके बराबर है, तो मेरे को ये प्रूव करना है कि जो बी एंगल के अपोजिट साइड है, बी के अपोजिट साइड ए सी और एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी, तो ये दोनों भी बराबर होंगी। दैट आई हैव टू प्रूव। तो सी फर्स्ट, तो हियर दिस इज योर थ्योरम फॉर दिस ट्राइंगल। इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों एंगल इस ट्राइंगल के अगर बराबर है तो अपोजिट साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये थ्योरम मैंने लिख दिया, इसका प्रूफ देखते हैं। तो AAS कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू मैं इसको आसानी से कर सकता हूं। आप बोलोगे सर आज तो क्वेश्चन कराने थे, आप थ्योरम करा रहे हो, ठीक है। तो जो आपकी थ्योरम है, ये थ्योरम क्वेश्चन के रूप में भी आ सकती है। क्वेश्चन बना दिया तो मान लो ये बोल दिया आपसे, प्रूव डेट इन एंड ट्राइंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन प्रूव डेट कि साइड अपोजिट टू डेट एंगल्स आर इक्वल, बस यहां पे प्रूव डेट लगा देगा। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चंस में लिया इस वाली थ्योरम को, ठीक है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, अगर बच्चों ये जो है ये इसके बराबर है, चलो ठीक है ये इसके बराबर आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखो मेरे को जो प्रूव करना है, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं तभी चीजें समझ में आती हैं। तो गिवन लिखें पहले, तो गिवन क्या है भाई, एंगल्स आर इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि जो ए बी होगा वो ए सी के बराबर होगा, ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक। तो देखिए कैसे होगा, मेरे को ये एंगल इसके बराबर गिवन है, चलो ठीक है, और ये मेरा बी सी हो गया, ठीक। तो बी सी तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, ये एंगल बराबर हो गया। यहां से मैं कुछ ड्रॉ करता हूं तभी चीजें क्लियर होंगी। देखो अगर मान लीजिए बच्चों ये मैंने कोई डी पॉइंट लिया बी सी पे और ए डी को ज्वाइन कर दिया, आप बोलोगे सर डी पॉइंट कोई सा भी ले सकता हूं क्या, नहीं, आपको AD ऐसे लेना है कि जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर दे। एंगल A को बाइसेक्ट मतलब AD मेरा क्या बन जाए, एंगल बाइसेक्टर। AD क्या बन जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। अगर ये AD एंगल बाइसेक्टर है तो क्या बच्चों ये जो एंगल है वो इसके बराबर आना चाहिए मेरा, क्योंकि AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर, इसको बाइसेक्ट किया है। अब ध्यान से देखना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड AD इज कॉमन साइड इन दीज टू ट्राइंगल्स। तो कैन आई से दिस ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, एंड इफ दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल देन बाई सीपीसीटी आई कैन से डेट AB विल बी इक्वल टू वॉट AC। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस ट्राइंगल। तो करना क्या है, यू हैव टू ड्रॉ वन AD एज अ एंगल बाई सेक्टर, ये करना बस, ठीक है। नहीं समझ में आया अभी फिर दोबारा बताने वाले हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन पहले करिए, टेक पॉइंट डी, ये सबसे बेस्ट रहेगा, टेक पॉइंट डी ऑन बी सी सच डेट AD बाइसेक्ट्स एंगल A। डी ऐसे लीजिए कि AD अगर मैं बनाऊं, ज्वाइन करूं इसको, तो ये एंगल A को बाइसेक्ट कर दे, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। चलो भाई अब इसके बाद में प्रूफ बता देते हैं। तो देखिए, तो मैं दो ट्राइंगल पकड़ लेता हूं, एक ट्राइंगल ले लेता हूं इन ट्राइंगल ABD और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ACD। तो इसमें जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर, ये तो गिवन है,
और ये जो एंगल है वो इसके बराबर है क्योंकि एडी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो बी ए डी होगा वो मेरा सी ए डी के बराबर आ जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि बिकॉज ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, और जो ए डी है दैट इज कॉमन इन दिस टू ट्राइंगल्स, तो ए डी इक्वल्स टू ए डी, ये क्या हो जाएगा कॉमन, ये कॉमन आ गया। अब क्या बोल सकते हैं, देखो भाई एंगल एंगल साइड तो ए ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट, तो ए बी डी ट्राइंगल जो है डेट विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रेंट, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो ए बी होगा वो मेरा ए सी के बराबर आ जाएगा बाई सी पी सी टी by CPCT। तो this is the proof of if two angles in a triangle are equal then opposite sides are equal, you can note it down। now we will move to the question number second या question number first भी बोल सकते हो, question number first डाल देंगे, ये तो एक theorem ही होगा आपका, ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन दिस यू हैव टू प्रूव दैट इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स, या प्रूव डेट लगा लीजिए, प्रूव डेट इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस ऑफ ट्राइंगल। क्या बोलना चाह रहा वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी है कोई, मान लीजिए यहां इस वाले वर्टेक्स से मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जो कि इस साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये आपको प्रूव करना है। एल्टीट्यूड का मीनिंग है ये 90 डिग्री होना चाहिए। इस वाले वर्टेक्स से इस वाली लाइन पे मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है और मेरे को प्रूव करना है कि ये बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब प्रूव ये करना है कि जो बीडी है वो डीसी के बराबर होगा। तो पहले तो मैं लिख देता हूं गिविन क्या है आपको, गिविन ये है कि एडी इन एल्टीट्यूड, तो जो एंगल एडीबी होगा वो बराबर आ जाएगा एंगल एडीसी के 90, ये गिवन है आपको, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है कि जो एल्टीट्यूड है डेट इज बाइसेक्टिंग द बेस, तो आपको प्रूव करना है कि बीडी जो है वो डीसी के बराबर आ जाएगा। तो प्रूव देखिए बच्चों कैसे होगा, देखो भाई ध्यान से। हाँ एक और चीज गिवन है आपको, आइसोसेलिस ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज गिवन है, ये एंगल इसके बराबर है, मतलब क्यों बराबर है, क्योंकि आइसोसेलिस ट्राइंगल में आपको पता होगा दो साइड बराबर होती है भाई, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और अभी भी बताया था कि अगर इक्वल साइड से तो इनके अपोजिट एंगल ही बराबर होंगे, तो एंगल बी एंगल सी के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर आ जाएगा, ये क्या है गिवन, और जो ए बी है वो मेरा ए सी के बराबर आ जाएगा, ये भी क्या है गिवन, और जो एंगल ए डी बी है वो आ जाएगा ए डी सी के, ये कैसे निकाला, ये भी एक तरीके से गिवन ही हो गया है ना, क्योंकि ईच 90 कर दीजिए यार, ईच 90, ठीक है। तो अगर इसमें ध्यान से देखो तो दो एंगल आ गए मेरा, एक साइड आ गई, कौन कौन से एंगल आ रहे हैं देखो, एंगल एंगल और साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड, खत्म कहानी। तो एंगल एंगल साइड से प्रूव हो गया। आप ये भी कर सकते थे कि एडी को कॉमन ले लीजिए दोनों ट्राइंगल में, तो एंगल एंगल साइड ये भी कर सकते हो, या ए बी इक्वल टू ए सी कर लीजिए। तो यहां से बोल सकते हो कि जो ट्राइंगल एडीबी होगा वो आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ए डी सी के बाई AAS congruency। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कहना इससे कि जो BD है वो DC के बराबर आएगा। अगर BD DC के बराबर आ रहा है, इसका मतलब AD ने BC को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां से लिख लीजिए BD इज इक्वल टू DC by CPCT, और अगर BD DC के बराबर है देन therefore 10 AD bisects BC, तो BC को bisect कर दिया AD, ठीक। चलिए दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोट इट डाउन फर्स्ट। सो डियर स्टूडेंट दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू, तो रीड इट केयरफुली। तो इन दिस ABC इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल एंड देन आई एम ड्रॉइंग टू परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स B एंड C,
बी सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसके बाद हमको ये प्रूव कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं वो बराबर होंगे इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो फर्स्ट यू कैन ट्राई देन आई विल टेल इट। तो कलरिया होगा अपनी वीडियो स्टॉप करके। देखिए अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं जो ए बी डी अगर मैं ट्राइंगल लू तो ऐसे करके ड्रॉ हो जाएगा, ए बी और डी। और अगर मैं सी ई ए ट्राइंगल लू तो ऐसे हो जाएगा ये। अब जो मेरे को प्रूव करना है वो ये करना है कि जो बी डी है वो मेरा सी के बराबर होगा। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है डायग्राम, मैं कहा ठीक है चलो नहीं है तो आप ऐसा बना लीजिए, ज्यादा वो है तो फिर ये बना लिया लो। ठीक अब तो ठीक है भैया, ये ए आ गया, ये डी आ गया, ये आपका बी आ गया। अब ये देखिए ये बच्चों 90 डिग्री एंगल, इस वाले में सी ई ए ये 90 हो जाएगा, एक एंगल तो बराबर आ गया, मजा आ गया भाई, एक एंगल बराबर। अब जो ए बी है वो मेरा ए सी के बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये 90 ये 90 हो गया, अब ये देखो ये जो एंगल है वो क्या दोनों में कॉमन है, बी ए डी और डी ए ई, है ना, बी ए डी या सी ए ई, ये दोनों एंगल क्या है बराबर, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो भाई सी पी सी डी आई कैन से जो बी डी है वो सी ई के बराबर आ जाएगा। ये देखिए कॉन्ग्रेंट कैसे हुए, एंगल एंगल साइड, तो भाई ए एस दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है तो लिख लीजिए इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए सी ई या ए ई सी, जो भी लिखना चाहो। ठीक है तो ये देखिए ये जो ए बी है वो मेरा किसके बराबर है, ए सी के, ये तो गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है तो इसका मतलब आपको करना क्या है, सबसे पहले डायरेक्ट में चालू हो जाना, अब बहुत बार लिखा दिया से मैं नहीं लिखा रहा हूं, गिवन और टू प्रूव ये दोनों चीज लिखना है, फिर उसके बाद हम प्रूफ में लिखवा रहा हूं अभी, है ना, इधर ये प्रूफ करवा रहे हैं। तो ए बी इक्वल टू ए सी आ गया, और जो एंगल आपका बी ए डी है वो आपका बराबर आ जाएगा सी ई ए के, रीजन क्या दोगे इसमें, ईच 90, ईच 90। ठीक और एंगल नहीं 90 कहाँ है, बी ए डी और सी ए ई, सी ए ई होना चाहिए और ईच 90 ना करें, ये एंगल और ये एंगल तो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में क्या है ये दोनों एंगल कॉमन, पर लेकिन जो ए डी बी है, ए डी बी और उधर कौन सा है एंगल ए ई और सी, ये क्या है ईच 90, ये दोनों ईच 90। चलिए अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे भाई, ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी, तो कहना इससे जो बी डी है वो सी के बराबर आ जाएगा। तो पहले तो कॉन्ग्रेंट कर दीजिए, तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल, देखो भाई ए ए के बराबर है तो ए आ जाएगा, ये बी जो है वो सी के बराबर तो यहां पे सी आ जाएगा, फिर यहां पे ई आ जाएगा, बाई बाई ए एस रूल या कॉन्ग्रुएंसी जो भी लिखना है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है चलिए तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो बी डी है वो मेरा सी ई, बी डी है ना वो बी डी, वही सी ई के बराबर है बाई सी पी सी टी। और यही मेरे को प्रूव करना था कि जो परपेंडिकुलर इस वाले पॉइंट से वो दोनों बराबर होंगे, कि जो बी डी है वो मेरा सी ई के बराबर होगा, डेट आई हैव टू प्रूव। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो फर्स्ट नोट इट डाउन, चलो कर लिया होगा, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। डियर स्टूडेंट दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थ्री, तो रीड इट केयरफुली। इसमें जो ए डी और बी सी, अगर आप ध्यान से देखो फिगर में ए डी जो बी सी वो परपेंडिकुलर नजर आ रहे होंगे आपको, किसके, एक जो लाइन सेगमेंट ए बी है ए वी उसके परपेंडिकुलर हैं दोनों के दोनों, और आपको ये शो करना है कि जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करेगा। ये बाइसेक्ट का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और अपने आप ट्राई करें बनाने का इसको। चलो आपने कर लिया होगा, है ना, देखिए
नहीं हुआ है तो देखिए प्रूव ये करना है कि जो ये सीडी है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो ओ बी है ओ ए के बराबर होगा, ये मेरे को प्रूव करना है। सबसे पहले तो गिवन लिख लीजिए, जो मैं अभी तक बताता आ रहा हूं आपको हमेशा लिखना है गिवन। तो इसमें जो गिवन है वो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी वो सब 90 के हैं, ठीक है। और जो टू प्रूव करना है वो क्या करना है आपको कि जो ओ ए है वो मेरा ओ बी के बराबर आएगा। अगर देखो ये जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर आ गया, इसका मतलब ये सी डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए बच्चों ये लाइन है, ये कोई लाइन है, अगर ये इसके बराबर आ गया मान लीजिए, तो इसका मतलब इस वाली लाइन ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, यही आपको प्रूव करवा रहा है। तो ये देखिए कैसे होगा इसका प्रूफ। तो इसमें भी दो ट्राइंगल ले लेते हैं, तो प्रूफ हो देगी, दो ट्राइंगल पकड़ लीजिए, इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक। तो ये देखिए जो एंगल ए ओ डी है, ये वाला एंगल, ये और ये एंगल दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल ए ओ डी मेरा बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ सी के। कैसे, रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जो एंगल बी है वो मेरा एंगल ए के बराबर हो गया, इसमें रीजन क्या है ईच 90। चलो दो एंगल बराबर आ गए, अब तीसरा क्या काम आ रहा है, तीसरा कुछ और है क्या, हाँ एक ए बी तो है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, तो जो ए डी है वो मेरा बी सी के बराबर है, इसको भी लिख लीजिए गिवन में, ए डी है वो मेरा बी सी के बराबर है। अब देखो बच्चों ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ए डी इज इक्वल टू बी सी, एंगल एंगल और साइड खत्म बात। तो ए एस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है गिवन। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ट्राइंगल ओ ए डी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ओ सी बी के बाई ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, हाँ भाई अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो कहना ही से जो आपका ओ ए है, ये जो ओ ए है वो मेरा ओ बी के बराबर आ जाएगा। कैसे आया वो देखिए, ये जो ओ ए है वो किन एंगल के बीच में बन रहा है, आप देखोगे यहाँ पे सिंगल लाइन ड्रॉ किया है मैंने, एक सिंगल लाइन और 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है सिंगल लाइन और 90 डिग्री, तो ओ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो हेंस ये तो लिख लेना बाई सी पी सी टी, हेंस सी डी, सी डी क्या है, हाँ सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, अगर ओ ए इक्वल टू ओ बी है तो सी डी ने ए बी को बाइसेक्ट कर दिया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर फोर, है ना, दैट इज विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल वन, देन वी विल सी लेवल टू, नोट इट डाउन फर्स्ट। चलो कर लिया होगा, मिटा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें देखिए जरूरी नहीं है ए एस कॉन्ग्रेंसी लगे, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी दे दिया और ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी इज इक्वल टू ई सी दिया है, प्रूव डेट बी डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू बी ई, चलो ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी ये इसके बराबर दे रखा है, ये आपका इसके बराबर दे रखा है, और आपको प्रूव करना है कि बी डी आपका बी ई के बराबर होगा, क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, आप वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करिए, है ना। अगर आपको बी डी और बी ई चाहिए तो आप इस वाले ट्राइंगल को लो, इस वाले ट्राइंगल को लो, क्वेश्चन को ट्राई करिए, देखिए वैसे बहुत जल्दी होने वाला है ये क्वेश्चन, आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर ए बी इक्वल टू बी सी है तो क्या ये जो एंगल है वो इसके बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो कहना ही से दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर बोथ आर कॉन्ग्रेंट बाई एस ए एस, तो देन कहना ही से बी डी इक्वल टू बी ई, खत्म, ठीक है। तो कुछ नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, तो बहुत आसान था। सबसे पहले तो आप क्या करें, जो भी गिवन है उसको लिख दीजिए, फिर जो टू प्रूव करना है वो कर दीजिए, उसके बाद में प्रूव देखिए, इसका जो प्रूव है वो क्या हो जाएगा, देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी ई, ठीक। तो इसमें जो आपका ए बी है वो आपका बी सी के बराबर आ जाएगा, और जो आपका ए डी है वो आपका सी ई के बराबर आ जाएगा, ये क्या था गिवन, और ये भी क्या है आपको गिवन,
और जो एंगल ए है वो आपका एंगल सी के बराबर आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा? बिकॉज क्योंकि जो ए बी है वो आपका बी सी के बराबर है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो ट्राइंगल ए बी डी होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सी बी ई के बाई बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट। तो फ्रॉम हियर कैन आई से कि जो बी डी है वो आपको बराबर आ जाएगा बी ई के बाई सी पी सी टी बाई सी पी सी टी। चलिए ठीक, तो बी डी इक्वल टू बी ही मेरे को प्रूव करना। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम लेवल टू के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम, तो फर्स्ट नोट इट डाउन। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ लेवल टू। इट इज नॉट ऑल्सो अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, बट इट इज अ मॉडरेट वाले, ठीक है, मॉडरेट वन है। देखिए इसमें करना क्या है, अगर आपका बी ई इसके परपेंडिकुलर है, ए डी इसके परपेंडिकुलर है, और आपको ये देखा कि ए सी है वो बी सी के बराबर है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जो ए ई है वो आपका बी डी के बराबर होगा। तो यू कैन ट्राई फर्स्ट, कर लिए होगा आप सबने। नाउ सी, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मेरे को ए ई और बी डी लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें मेरा ए ई आ रहा है और बी डी आ रहा है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को पकड़ूं, कौन से वाले को, इस वाले को, तो ऐसे बन जाएगा ये तो ई हो गया आपका, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। और अगर इधर देखा जाए तो ऐसे करके आ जाएगा, ये डी हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। अब इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन चीज देखिए, 90 90, मजा आ गया भाई। ए बी इजल टू ए बी क्या हो गया, कॉमन है ये दोनों साइड। और एक और चीज, ये जो एंगल है वो इसके बराबर है, किसके, इसके। ये क्यों है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए सी इजल टू बी सी है, इसलिए। ठीक है, तो ये देखिए इन ट्राइंगल, हाँ, अगर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो क्या ए ए एस कॉन्ग्रेंसी इस दोनों ट्राइंगल में लग रही है? लग रही है बिल्कुल। तो ये ए ए एस कॉन्ग्रेंसी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो ए ई है वो बराबर आ जाएगा आपका किसके, बी डी के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो बराबर होंगी बाई सी पी सी टी। तो इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए बी डी, एंड ट्राइंगल ए बी डी, तो जो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, इसमें लिख देना ईच 90, ठीक। और जो एंगल बी ए ई है वो बराबर हो जाएगा इसमें एंगल किसके, ए बी डी के। ये कैसे आ जाएगा, क्योंकि आपको ये दिखा है कि जो ए बी है, जो ए सी है वो आपका बी सी के बराबर है, तो उसके अपोजिट साइड भी बराबर हो जाएंगी, अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे। और जो ए बी दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक। ये क्या है, कॉमन। तो यहां से ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल, ये देखो। अब ये जो ए वाला है किसके बराबर है, बी के, तो यहां पे बी आना चाहिए। अब ये जो बी एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो बी एंगल है वो इसके बराबर आ जाएगा, ये ए आ जाएगा यहां पे। और ये जो 90 वहां पे 90 कौन है, डी, खत्म बात। तो ये ई की जगह पे डी आ जाएगा, तो ए बी ई बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो ए ई है वो आपका उस वाले ट्राइंगल में किसके बराबर आ जाएगा, बी डी के बाई सी पी सी टी। और इसका रीजन कह देना बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, देन क्वेश्चंस ऑन ए एस विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट नोट इट डाउन। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू। इसमें जो बी एम और जो डी एन, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है आपके इस ए सी लाइन के,
और आपको ये प्रूव करना है कि जो बी एम है वो डीएन के बराबर होगा, ये जो बी एम है वो डीएन के बराबर होगा, और प्रूव डेट ए सी बाई सेक्ट, नहीं 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 बी एम डीएन के बराबर ये तो गिवन है, ये कब प्रूव करना है कि जो ए सी है वो बी डी को बाई सेक्ट कर रहा है। अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर ए सी मेरा बी डी को बाई सेक्ट कर रहा है इसका मतलब मेरे को ये जो बी आर है वो आर डी के बराबर शो करना है, बस इतना सा। तो फर्स्ट यू कैन ट्राई बाई स्टॉपिंग द वीडियो। चलिए कर लिया होगा आप सबने सॉल्व, नाउ आई एम सॉल्विंग इट। ओके नाउ सी डियर स्टूडेंट्स, जो बी आर और आर डी ये किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, एक तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो इन दोनों को ही पकड़ लीजिए। तो पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, गिवन लिख लीजिए, फिर टू प्रूव लिख लीजिएगा, उसके बाद हम प्रूव हम करा रहे। देखिए तो इन ट्राइंगल बी आर एम एंड ट्राइंगल डी आर एन, जो बी एम है वो आपका डी एन के इक्वल है, ये क्या है गिवन। चलिए और ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, तो जो एम आर बी एंगल एम आर बी बराबर है एंगल डी आर एन के, डी आर एन ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर। और अगर आप ध्यान से देखो ये 90 ये 90 तो क्या लग गया ऐसे ए ए एस, ए ए एस कॉन्ग्रेंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो पहले 90 कर दीजिए, कौन से एंगल, एक तो दे रखा है बी एम आर इज इक्वल टू डी एन आर, डी एन आर इसमें क्या लिख दोगे ईच 90। चलिए तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो बी एम आर डी एन आर ये 90 हो गए, एम आर बी डी एन आर के बराबर वर्टिकल अपोजिट एंगल, बी एम इज इक्वल टू डी एन ये क्या है गिवन। तो यहां से जो ट्राइंगल बी आर एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके, डी आर एन के, बाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि जो बी आर है वो मेरा आर डी के बराबर आ जाएगा, तो जो बी आर है वो आर डी के बराबर आ जाएगा, कैसे आ जाएगा भाई, बाई सी पी सी टी। अगर जो बी आर है वो आर डी के बराबर आ गया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ए सी ने बी डी को बाइसेक्ट कर दिया, दस ए दस ए सी बाइसेक्ट्स बी डी, ठीक है। तो खत्म हो गया यहां पे क्वेश्चन, यही आपको प्रूव करना था। तो दिस दीज आर द क्वेश्चंस ऑन ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट कंप्लीट होता है, इसके बाद में आप आर शर्मा भी लगा सकते हैं, लेवल वन लेवल टू जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, और जो इस पे एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं रेगुलरली, है ना, एमसीक्यू जो शीट मिलती है, पांच पांच क्वेश्चन मिलते हैं, उनको भी कर लिया करो, और डीपीपी तो आपको मिलती है उनको भी सॉल्व कर लिया करो। ये पूरा कर लोगे एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा सारी चीजों में, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा एस 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 और कौन सा आर एच एस, ठीक है, डेरिवेटिव सी इन नेक्स्ट क्लास। ओके थैंक यू वेरी मच।